आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो का विषय है अजेलिया पौधे को कैसे कटिंग से लगाया जाता है। ये देखिए, ये है अजेलिया पौधे का फूल, और मुझसे एक गलती भी हुई है इसमें। आपको ये फूल थोड़े से मुरझाए हुए दिख रहे होंगे, क्या गलती की है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गलती कर करके ही हम सीखते हैं। कई बार अनजाने में गलतियाँ होती हैं और कई बार जानबूझकर। मुझे पता भी था और मुझसे भूल वशी भूल हुई है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कटिंग को कैसे लेना चाहिए। देखिए, अजेलिया एक ऐसा खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है। अगर इसको गर्मियों में आप बिल्कुल कहीं ऐसी जगह रख दें जहां धूप की किरणें ना आती हों, तो इसको फिर हम, अब जो भी बरसात शुरू हो गई है, तो फिर इसमें से हम फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फूल कितनी बार आते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें फरवरी में बहुत फूल आते हैं, बसंत के समय पर, और मैं वो फूल ले चुकी थी और मैंने इसको छाया में रखा था। और अब फिर देखिए कलियां, ये आप देख ही रहे हैं कि आ गई हैं, और ये फूल भी खिल गए थे। लेकिन गलती क्या हुई मुझसे, अब बारिशें उत्तराखंड में शुरू हो गई हैं और मैंने जब इसको बारिश में रखा, उसके बाद कुछ धूप आई तो भूल गई मैं, धूप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो देखिए ये कलियां थोड़ी सी आप देख रहे हैं, इधर से पंखुड़ियाँ ये देखिए झुलस सी गई हैं। ये देखिए, ये गलती हो गई थी और मैंने फिर फौरन इसको छाया में रखा। तो गलती पहले ही बता दूं आपको। अब हम बात करेंगे कटिंग कैसे लेनी चाहिए। देखिए, ये है एक पकी हुई कटिंग, ये देखिए। तो चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, लेकिन अगर ये ब्राउन कलर की है, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी कटिंग लेनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको 40 डिग्री में कट कर लिया है। और ये देखिए, आज मैं एलोवेरा जेल में लगा कर बताऊंगी। ये देखिए, ये एलोवेरा की पत्ती से मैंने जेल निकाला है और इसमें ये साफ फंगीसाइड पाउडर जो होते हैं ना, ये देखिए, तो फंगीसाइड पाउडर, ये देखिए मिट्टी भी लग गई है। रोज आजकल कटिंग्स लगा रहे हूँ क्योंकि, तो इसको थोड़ा मिला लिया है ताकि फंगस ना लगे, अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसमें पानी नहीं लगाएंगे। अगर हम रूटेक्स पाउडर में लगाते हैं, जैसे मैंने ये आपको बताया था कल, एक प्लांट लगाना बताया था मैंने आपको, तो इसमें तो पानी लगाते हैं पहले। लेकिन अगर हम यहाँ लगाएंगे एलोवेरा जेल में, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं वैसे, लेकिन फंगीसाइड पाउडर को अगर अच्छी तरह मिला लिया है तब लगाएंगे, तो कुछ फंगस वगैरह लगने का डर नहीं रहेगा। ये देखिए, ऐसे लगा लिया है। अब ये मैंने, सॉरी, ये पैकेट मैंने पहले से ही तैयार रखा था। ये देखिए, इसमें एक होल करेंगे, यहाँ पर पानी पहले डालेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो ये जो हम लगाए ना इसमें, ये जेल, ये बह जाएगा। ये देखिए, पत्थर वगैरह पहले ही निकाल लिए हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ा गीला कर लिया, पानी डाल लिया, इन पत्थरों को भी हम हटा लेंगे। अब इसको लगाने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गीला तो हो ही गया। ये देखिए, यहाँ प्लेस कर देंगे इसको, अच्छी तरह से दबा देंगे। अब जो पानी डालेंगे वो कैसे डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट सेंटर में नहीं डालेंगे, साइड से डालेंगे, ये देखिए किनारे से, बस रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और अब हम बताएंगे कि इसकी क्या देखभाल करनी है। अजेलिया को कभी भी डायरेक्ट धूप में मत रखिए आप, ये इसका पहली शर्त है। दूसरी, ये देखिए छोटे छोटे पौधे आप देख रहे हैं यहाँ पे निकलने आगे आ रहे हैं, इनको निकालते रहना चाहिए, गुड़ाई करनी चाहिए ऐसे। चाहे तो आप किसी खुरपी वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे गमले में लगाए क्योंकि, तो इसलिए मैं हाथ से ही कर रहा हूँ। ये देखिए, ताकि हवा मिलती रहे प्लांट। अब हम डालेंगे इसमें नीम की खली। इसमें मैंने गोबर की खाद और ये सभी चीज़ें पहले से ही डाली हुई है, और अब बरसात